सो हेलो गाइज, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अभी आप लोग को बता दूं कि 2023 में यूट्यूब के काफ़ी सारे अपडेट आने वाले हैं, तो उसी में से एक अपडेट आया हुआ था 1 फरवरी को, जो कि शॉर्ट को लेकर था। और अभी गाइज एक रिसेंटली अपडेट आया हुआ है, जो कि यूट्यूब क्रिएटर्स की जो मतलब व्यूज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, और जो उसकी अर्निंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो गाइज मतलब कि अभी जो है 23 में काफ़ी सारे अभी आपको यूट्यूब में अपडेट देखने को मिलने वाले हैं, तो उसी में से एक अपडेट निकल कर आया हुआ है ऑडियो ट्रैक को लेकर। जी हाँ गाइज, अभी मतलब सारे यूट्यूब क्रिएटरों को ये मतलब कि फीचर्स नहीं मिला हुआ है, जो बड़े क्रिएटर हैं उनको ये फीचर्स मिला हुआ है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि क्या फीचर्स है, और आप लोग बता दो गाइज कि इस मतलब अपडेट के कारण यूट्यूब पे जो अर्निंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और उसके जो व्यूज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो गाइज अभी आपको दिखाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर कि अभी मतलब रिसेंटली ये जो अपडेट है वो किसी यूट्यूब क्रिएटर को मिला हुआ है, जो कि काफ़ी बड़े क्रिएटर है। उसी में से एक क्रिएटर है मिस्टर बीस्ट करके, अभी जो ये अपडेट है वो मिस्टर बीस्ट के चैनल पर ही लागू किया हुआ है। तो आप लोग चलिए हम दिखाते हैं, ये हम यहाँ पर मतलब सर्च मारते हैं मिस्टर बीस्ट करके, तो आप देख सकते हैं मिस्टर बीस्ट करके सर्च मारने पर देख सकते हैं इतने सारे मतलब वीडियो हैं, वो मतलब सारे जो वीडियो वो मतलब इंग्लिश से हैं। तो वीडियो है उस पर क्लिक करने के बाद जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हम हिंदी में मतलब कन्वर्ट करके देख सकते हैं। पहले आप देखते होंगे कि जितना भी इंग्लिश वाले जो क्रिएटर हैं, ये जो हिंदी वाले क्रिएटर हैं, उनका मतलब सब टाइटल मतलब वीडियो जो आते बोलते हैं तो नीचे में उसका मतलब टाइटल लिखाता है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश टाइटल लिखाएगा, हिंदी में है तो हिंदी टाइटल लिखाएगा। बट अब क्या हुआ गाइस कि अब आप जो इंग्लिश है तो उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं, और जो हिंदी है उसको आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके सुन सकते हैं। और गाइस इसके अलावा भी मतलब कई सारे मतलब की लैंग्वेज है, तो ये मतलब काफ़ी मजेदार अपडेट है इस बार। क्योंकि गाइस आप लोग को बता दूं कि इस बार 2023 में जो हमारे YouTube के जो CEO हैं वो हमारे इंडिया के ही नील मोहन बने हुए हैं। तो गाइस इंडिया के ही नील मोहन है, तो ये तो मतलब कि जायज़ है कि हमारे इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं, जो कि मिस्टर बीस्ट करके हम सर्च मारे हैं, जिससे चलिए कोई भी हम एक वीडियो ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये मतलब कि वीडियो है। I built two massive cubes so these 100 kids can compete. तो गाइस आप देख सकते हैं ये इसका जो लैंग्वेज है वो मतलब इंग्लिश में बोल रहा है। चलिए आप लोग दिखाते हैं जो वीडियो प्ले हो रहा है, तो इसके स्क्रीन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक सेटिंग है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे में सारा जो ऑप्शन है उसमें देखिए एक नीचे में ऑडियो ट्रैक करके ऑप्शन है। और अभी देखिए गाइस हम ऑडियो ट्रैक में क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ मतलब कि इतने सारे लैंग्वेज है, इतने सारे आपको लैंग्वेज देखने को मिलते हैं। आप जो भी लैंग्वेज पे क्लिक कीजिएगा, आप जहाँ के रहने वाले हैं, आप इंडिया के हैं तो हिंदी में क्लिक कीजिए, अदर कंट्री है तो अपने हिसाब से क्लिक कीजिए, और वो लैंग्वेज में आपको वो सुनाई देगा। तो चलिए फिलहाल हम इंडिया में आपको दिखाते हैं, हम हिंदी में क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए हिंदी लिखा हुआ है। हिंदी में क्लिक करने के बाद जो मतलब इंग्लिश का जो वीडियो है वो मतलब हिंदी में प्ले होगा। तो चलिए देखते हैं क्लिक करते हैं। 100 घंटों बाद वो जीतेंगे $5,00,000। तो आप देख सकते हैं गाइस जो मतलब इंग्लिश का वीडियो था वो हिंदी में हम लोग को सुनाई देने लगा। तो गाइस ये मतलब इससे क्या हुआ गाइस कि जो हमारे जो अदर कंट्री है, अगर मेरा ये वीडियो है मतलब हिंदी में हम बोल रहे हैं तो अदर कंट्री में क्या जो इंग्लिश समझ में आता वो हमारे वीडियो को नहीं देख पाएंगे, अगर क्लिक भी करते होंगे तो हटा के चल जाएंगे। तो इससे क्या हुआ गाइस कि अदर कंट्री अगर क्लिक करते हैं तो वो हमारे वीडियो के पसंद है, उनको अच्छा लगता है, तो वो जो मतलब कि वो ट्रैक पर जाकर वो इंग्लिश लैंग्वेज अपना सिलेक्ट करेंगे या फिर अदर जो कंट्री है वो सिलेक्ट करेंगे और वो भी हमारे वीडियो को देख पाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे व्यूज भी इंक्रीज होंगे और व्यूज के कारण जो अर्निंग है वो भी इंक्रीज होगी। और इससे गाइस एक और फायदा हम लोग को होगा कि जो मतलब कि बाहर कंट्री में जो इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं, जो कि टैक्स रिलेटेड है या कोई इंफॉर्मेशन वीडियो है जो इंग्लिश में बनाते हैं, तो वो गाइस हम लोग मतलब देख नहीं पाते हैं उतना, मतलब कि समझ में नहीं आता वो ठीक से मतलब समझ नहीं पाते हैं। तो गाइस ऐसे में भी हम लोग को क्या बेनिफिट होगा कि उसको हम ऑडियो ट्रैक करके हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज में जो जहाँ के हैं वो मतलब ऑडियो ट्रैक करके उस वीडियो को देखकर नॉलेज और गेन और मतलब कि इंजॉयबल मतलब कर सकते हैं। वो जल्द आपको सारे YouTube क्रिएटर को देखने को मिलने वाले हैं। गाइस आप लोग को बता दूं कि इस बार जो YouTube के CEO है वो भी हमारे इंडिया के ही है, नील मोहन। तो उनके आने पर आपको और भी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स YouTube के जो अपडेट हैं वो मतलब इंडिया के हित में आपको देखने को मिलने वाले हैं, और काफ़ी मजेदार अपडेट है। तो अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आप लोग मतलब एक काम कीजिएगा, आप लोग मतलब खासकर जो आप लोग टाइटल लगाते हैं या फिर जो थंबनेल वगैरह जो बनाते हैं उसमें जो टाइटल है और जो भी लिखते हैं वो मतलब खासकर इंग्लिश में लिखिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि गाइज वो जो अदर कंट्री है वो भी आपके वीडियो पर क्लिक करेगा इंग्लिश टाइटल देखकर,
और अगर उस वीडियो में अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो आप तो बोलो उनके इंग्लिश में भी ऑडियो ट्रैक करके आपका वीडियो देख सकते हैं और व्यूज भी इंक्रीज होगी और अर्निंग भी। तो गाइस आपको ये जो यूट्यूब अपडेट है वो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद हो लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको जो यूट्यूब जो क्रिएटर है जो वीडियो बनाते हैं वो लोग भी इसका जो मतलब अपडेट है वो लोग भी जान पाए। और वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।